सुस्वागतम आप सभी का करता हूं मैं करदम रावल एक ऐसे यूट्यूब चैनल के अंदर जहां पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा यूपीएससी और बैंकिंग एग्जाम्स का ज्ञान और करंट अफेयर का नॉलेज यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रिसेंटली भारत की पार्लियामेंट के अंदर सरोगेसी बिल जो 2016 में यहाँ पर लाया गया था और काफी मीडिया के अंदर और कॉन्ट्रोवर्सी के साथ घिरा हुआ था उसको यहाँ पर जो है पास कर दिया गया है। और इसके पास के साथ ही यहाँ पर जो दो तरीके की सरोगेसी होती थी भारत के अंदर कॉमर्शियल सरोगेसी और अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी, तो दोनों तरीके की सरोगेसी में से अब सिर्फ जो है अल्ट्रुस्टिक कैटेगरी की सरोगेसी ही भारत के अंदर जो है वो लाई जा सकती है, यानी कि कॉमर्शियल सरोगेसी जो है वो भारत के अंदर अब बैन हो चुकी है। 19 दिसंबर 2018 से जो है ये सरोगेसी रेगुलेशन बिल जो है वो फाइनली पास हो गया है। तो पहले तो समझते हैं कि सरोगेसी क्या होता है। सरोगेसी का मतलब ये है कि अगर एक कपल हम समझे जिसके अंदर होंगे या तो दो मेल या दो फीमेल या फिर एक मेल और एक फीमेल, उसको अगर चाहिए बच्चा और वो कैपेबल नहीं है बच्चे को जन्म देने के लिए ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन सच एज इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंटनेस, ऐसी कोई भी कारण हो जिससे कि जो है दो मेल होंगे तो वो बच्चा जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दो फीमेल जो है तो वो मेल के बिना बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो है अगर एक कपल है जिसके अंदर मेल और फीमेल है तो वो अगर बच्चा प्रोड्यूस करना चाहते हैं और यहाँ पर या तो इनफर्टिलिटी का कोई कॉज है या फिर कोई दूसरा अलग रीजन है जिसके कारण जो है वो प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो सरोगेसी की सहायता ली जाती है जहां पर होती है। मेनली यहां पर सरोगेसी के अंदर होता है कि एक महिला होती है जो बायोलॉजिकल तरीके से जो है किसी मर्द के स्पर्म को अपने वुम्ब में कैरी करके जो है प्रेग्नेंट होती है और यहां पर बच्चे को जन्म देती है। यहां पर दूसरा भी एक प्रकार होता है जिसके अंदर बच्चा जो है वो फर्टाइल होता है वुम्ब के अंदर और फिर उस डेवलप्ड एग को जो है वो दूसरे महिला के जो है वुम्ब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो 2002 से जो है इस चीज की भारत के अंदर शुरुआत हुई थी और यहाँ पर जो है 2005 यानी कि 3 साल से लेके 5 साल के टाइम फ्रेम में 2005 से 7 तक इंडिया जो है वो वर्ल्ड का कैपिटल बन गया। 2012 से जो है भारत के अंदर जो लोग वीजा के लिए अप्लाई करते थे वहां पर मेडिकल रीजन और मेडिकल रीजन में स्पेसिफिकली जो है सरोगेसी का पॉइंट यहां पर भारत जो है इसके अंदर कैपिटल था। तो यहां पर जो है कॉमर्शियल सरोगेसी बहुत ही ज्यादा होती थी। तो कॉमर्शियल सरोगेसी क्या होता है, यहां पर जो भी महिलाएं ये सरोगेसी की एक्टिविटी के अंदर कनेक्ट होती है वो किसी और के चाइल्ड को अपने वुंब में अगर डेवलप है या फिर उसके जन्म तक की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर जो है उसके साथ जो है बच्चे को कैरी करती है तो उसके लिए उसको फाइनेंशियल कंपेंसेशन मिलता है उस पूरी प्रोसेस के दौरान और उस प्रोसेस के बाद भी उनको जो है कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पैसे यहाँ पर पार्टीज की मीटिंग के बाद डिसाइड होकर पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर एजेंट्स भी होते हैं डॉक्टर्स भी होते हैं इस पूरी प्रोसेस के कनेक्शन के अंदर और जिनको बच्चा चाहिए लेकिन यहाँ पर कुछ कारणों से उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर सरोगेसी की सहायता ली जाती थी। और इंडिया जो है इसके अंदर इतनी मास पॉपुलेशन है और मास पॉपुलेशन के अलावा यहाँ पर जो है ऐसी एक्टिविटीज भी होती है। अब ये जो है वो कॉमर्शियल टाइप की सरोगेसी है। दूसरी जो तरीके की सरोगेसी है वो है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। तो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के अंदर होता है कि यहाँ पर जो है जैसे चैरिटी होती है किसी भी चीज की अपेक्षा न रखते हुए किसी भी तरीके की एक्टिविटी करना उसको अल्ट्रुइस्टिक एक्टिविटी कहते हैं। तो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के अंदर जो है महिला पैसे के लिए या कंपेंसेशन के लिए नहीं बल्कि किसी और के जीवन में खुशियां आए और उनको जो है चैरिटी की फीलिंग हो उस एक्टिविटी से जो है ये एक्टिविटी करती है वो होती है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अब यहाँ पर जो है भारत सरकार ने जो ये कॉमर्शियल सरोगेसी है जिसे कि भारत के अंदर हर साल 500 मिलियन यूएस डॉलर्स की जो है इनकम जनरेट होती है तो ये चीज जो है इंडिया के अंदर बैन कर दी है। और भी कुछ क्राइटेरियाज रखे हुए है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर दूसरी ये बात है कि अगर कोई फॉरेनर या एनआरआई इंडिया के अंदर आता है तो वो कमीशन बेस्ड सरोगेसी नहीं करवा सकता। फिर यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसी है कि ये जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत के अंदर जो है वो यहाँ पर लागू होगा। ये सिर्फ जेन्युइन कपल्स के लिए होगा यानी कि दो मेल कपल वाले जो गे कपल होंगे उनके लिए ये नहीं होगा और जो दो महिला है यानी कि लेस्बियन कपल होंगे उनके लिए भी ये जो है पॉसिबल नहीं होगा। नॉर्मल कपल और यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस है जिसके अंदर नॉर्मल कपल की शादी जो है वो 5 साल तक होनी चाहिए, 5 साल उनकी शादी को बीत गए होने चाहिए और यहाँ पर इनके कपल्स के बीच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की यहाँ पर परमिशन होगी कि यहाँ पर इन लोगों को इनफर्टिलिटी का इश्यू है या
फिर एक्सवाइजेड इश्यू है, इसलिए ये लोग सरोगसी की प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होना चाहते हैं। सर्टिफिकेशन काफी जरूरी है सरोगसी की प्रोसेस के अंदर। जो महिला की मदद से सरोगसी हो रही है वो महिला क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, महिला की एज 23 से 50 साल की होनी चाहिए और पुरुष जो है उसकी एज 26 से 55 साल की होनी चाहिए, और उन्हीं महिलाओं के द्वारा सरोगसी हो सकती है जो 25 से 35 साल की एज के अंदर है, और क्लोज रिलेटिव का होना काफी जरूरी है। क्लोज रिलेटिव की स्पेसिफिक यहाँ पर कोई डेफिनेशन दी नहीं गई है लॉ के अंदर, और अगर यहाँ पर किसी भी प्रोविजन को काउंटर वेन किया जाता है या फिर ब्रीच किया जाता है तो 10 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।